गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, आज हम जो हमने रिवीजन वर्क किया था पिछली क्लास में उसे पूरा करेंगे, ठीक है। हमने नंबर वन क्वेश्चन करा था, नंबर टू क्वेश्चन, मात्रा लगाकर शब्द को पूरा करो। अब आपको ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ शब्द लिखना है और मात्रा लगाना है, क्योंकि अगर आप शब्द नहीं लिखेंगे तो मात्रा कैसे लगेगी, है ना। अभी लिखा करसी, करसी तो कोई वर्ड नहीं होता, इसको आप मात्रा लगाकर सही बनाइए। करसी में कुर्सी, तो आप छोटे ऊ की मात्रा लगा के कु बनाएंगे और कुर्सी हो जाएगा। अब ये झला लिखा है, तो झला तो कोई वर्ड नहीं होता, तो इसमें मात्रा कौन सी लगेगी, इसको झूला बनाएं, तो बड़े ऊ की मात्रा झा में लगेगी और ये झूला बन जाएगा। अब बाला बल, तो ये बल तो कोई वर्ड नहीं होता, तो हम इसे बाल बना सकते हैं या बेल बना सकते, तो हमने बा में ए की मात्रा लगाई, बा के हेड पर ए की मात्रा लगाई, वो तो बेल बन गया। थला, थला कोई वर्ड नहीं होता, तो हमने उसको थैला बना दिया, डबल मात्रा लगा दी, ठीक है। खरगोश, खर गोश बनाए, गा में ओ की मात्रा, श, खर गोश। औरत, औरत लिखा है ना, तो इसको ओ बनाया और औरत, ठीक है। फिर से देखिए, कुर्सी, झूला, बेल, थैला, खरगोश, औरत, ठीक है। अब आप जब एग्जाम में ये मिलान करोगे तो आपको चित्र बनाने पड़ेंगे। ये चौराहा है, ये लौकी है, ये बादल है और ये गोला है, तो आपने ये मैचिंग की, ठीक है। दोनों आपको चित्र भी बनाने पड़ेंगे और शब्द भी लिखने पड़ेंगे। अब जब ये वाला आप करेंगे, सही शब्द कौन सा है चुनो, तब आपको क्या करना है, नंबर वन लिखना है, सही शब्द लिख देना है, तो सही शब्द आपका कौआ है। टू नंबर पे सही शब्द आपका ढोलक है, सिर्फ सही शब्द लिखेंगे आप। थ्री नंबर पे अंगूर है, फोर पे दुकान है और पांच, फाइव नंबर पे लौकी है, ठीक है। तो आपको केवल सही शब्द इसमें लिखने हैं। नाम लिखूं मैं, आपको क्या करना है, चित्र देखना है और केवल उसका नाम लिख देना है। ये नैया है तो आपको नंबर वन लिखकर नैया लिख देना है, ये टोकरी है तो आपको नंबर टू लिखकर टोकरी लिख देना है, चित्र बनाने की इसमें ज़रूरत नहीं है। समान शब्द में आपने जैसे पहला नंबर है केला, तो केला का आपने क्या बनाया, बेला और ठेला, तो आपने लिख दिया नंबर वन बेला और ठेला। सेकंड वाले में आपने मैना में का आपने बनाया रहना, है ना, है ना। तो इसके बाद आप वाक्य बनाओगे, तो आप नंबर ये वाला डालोगे, ये एट नंबर है रोमन नंबर, इसको डालोगे और वन टू थ्री करके डालोगे। तो वन का आपने बनाया कौआ काँव काँव करता है, पंखा चल रहा है, जोकर उछल रहा है, पतंग उड़ रही है, यहाँ मैम ने पंखा दो बार लिख दिया है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये आपने वाक्य नंबर डाले और वाक्य बना दिए, ठीक है। इस तरह से आप रजिस्टर पेज में करेंगे, रिमेंबर दिस, कॉपी पेज में नहीं करेंगे, और उसका पीडीएफ बनाकर मैम को भेज देंगे, ठीक है बच्चों। तो वी विल मीट आफ्टर द एग्जाम्स, ओके चिल्ड्रन, ऑल द बेस्ट, डू योर बेस्ट इन द एग्जाम्स, ओके, बाय बाय।